शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिछले महीने भी हुई थी एक 63 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या, जिसका पुलिस ने कर दिया था खुलासा। अब एक 60 वर्षीय महिला की हत्या से ग्राम में फैली सनसनी। मामला जनपद हमीरपुर के विवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक मोहल्ले का है, जहां पर एक 60 वर्षीय महिला का रात में सोते समय धारदार हथियार से निर्मम कत्ल कर दिया गया, जिसकी भनक सुबह उसकी भतीजी घर में गई तो लगी। आनन फानन में उसने मोहल्ले वासियों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि शव पोस्टमार्टम को भेजने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मौके पर ग्राम के क्षेत्र अधिकारी सौम्या पांडे मोधा के साथ भारी पुलिस फोर्स बल मौजूद था। कल रात में हम लोग अपने घर में सो रहे थे, हमारी बुआ जी के किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। सुबह मेरी पत्नी यहाँ पर आई, तब उनको मरी पड़ी हुई दिखाई पड़ी, तब उसने सूचना दी, तब हम लोग पुलिस को सूचना दिया। ना हमारी कोई ऐसी रंजिश नहीं थी, ना किसी से नहीं है। हमारी बुआ है, करीब 30 साल से हम अपने घर पर रख के रहे। हम भैंस को चारा लेने गए थे, तभी बुआ लेटी थी। इतनी टाइम बुआ ओनर जाया करती थी, अपनी बकरियों को ओसार करने लगती थी, उनके सानी बनाना, उनको जत्तर झाड़ना जो भी है। और तभी हमने देखा कि बुआ तो इतनी टाइम ओनर जाया करती थी, तभी हमने झांक के देखा कि बुआ लेटी थी। हमने थोड़ा और पास से झांक के देखा तो वहाँ पर खून ही खून डरा था। तभी हमने चिल्लाया, मम्मी पापा आ गए और बाकी के लोग आ गए, उन्हें देखने लगे, तब हम वहाँ से भागे। थाना विवार में आज सुबह ये सूचना मिली कि कस्बे में ही रहने वाली एक 60 वर्षीय महिला, जो कि घर पे अकेले रहती थी, उनकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड मौजूद है। कुछ लोगों को शंका के आधार पर पूछताछ हेतु थाने के लिए लाया गया है। अन्य फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए इसमें घटना के अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया है। जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। NBC न्यूज के लिए हमीरपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।